चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129 में। कहता है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, बोरोन, गैलियम और एल्युमिनियम दिया हुआ है। तो आपको पता है बोरोन यहाँ पर है, एल्युमिनियम उसके पीछे, गैलियम यहाँ पर है और फ्लोरीन इसी लाइन में यहाँ पर है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, तो सेकेंड पीरियड वाले का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। सेकेंड पीरियड में भी लेफ्ट टू राइट जाने पर सबसे ज़्यादा होता है, तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर बोरोन का होगा। एल्युमिनियम गैलियम में यहाँ पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, जिसके कारण जो है गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है एल्युमिनियम से। तो पहला तो सही निकल गया। चलिए दूसरे में बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम। ये नाइट्रोजन रहा, फास्फोरस उसके नीचे है, सल्फर यहाँ पर है, सेलेनियम यहाँ पर। आप देख रहे हो कि टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने के बाद जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होगा, फास्फोरस, सल्फर में ये आप जानते हो NP3 का ज़्यादा होता है NP4 से, होता है ना। तो ये फास्फोरस नाइट्रोजन पूरा फैमिली ही हाफ सेल वाला है, हाफ फील्ड वाला है, तो यहाँ पर फास्फोरस का हो जाएगा। सल्फर सेलेनियम में यहाँ पर फिर से साइज बढ़ा तो सल्फर का ज़्यादा होगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसी प्रकार से अगर आप बेरिलियम लिथियम में बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिथियम हो गया, यहाँ बेरिलियम हो गया, यहाँ सोडियम हो गया और पोटेशियम और नीचे हो गया। फिर से साइज बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम। लिथियम बेरिलियम में आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर जो है जेड इफेक्ट बढ़ता है, और जेड इफेक्ट बढ़ने के बाद आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो लिथियम बेरिलियम में बेरिलियम का ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद लिथियम सोडियम में लिथियम का ही ज़्यादा होगा, सोडियम पोटेशियम में इसका ज़्यादा होगा। तो बेरिलियम लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो ये भी सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम है। सबसे पहले यहाँ सोडियम लिख लीजिए, यहाँ पोटेशियम लिखिए, यहाँ कैल्शियम भी दे रखा है, फिर उसके बाद बेरिलियम यहाँ पर है, ठीक है ना। सोचने वाली बात ये है कि देखिए ये है सेकेंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड और ये फोर्थ पीरियड का। तो सेकेंड पीरियड वाले का साइज छोटा है, तो सबसे ज़्यादा उसी का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो बेरिलियम का तो सबसे ज़्यादा होगा, जो कि गलती है यहाँ पर, है ना। सोडियम ये सेकेंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड हो गया, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया, तो यहाँ पर ज़्यादा होगा सोडियम, फिर पोटेशियम, कैल्शियम में कैल्शियम का ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए गड़बड़, क्या गड़बड़ है बताइए, क्या गड़बड़ी है, यहाँ गड़बड़ी, बेरिलियम कोई पीछे कर दिया। तो इनकरेक्ट पूछा था आपने से, तो इनकरेक्ट पकड़ में आ गया, तो डी हो गया, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन नंबर 130 के बारे में क्या किया जाए। क्वेश्चन नंबर 130 में सक्सेसिव फर्स्ट फाइव आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है। ये आयनाइजेशन एनर्जी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 4 और 5 के बीच में देखिए बहुत बड़ा जंप है, बहुत बड़ा जंप है, लगभग 4 गुना आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ा हुआ है। इसका मतलब जब ये A4 बना होगा, A+4 बना होगा, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गया होगा, ठीक है ना। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनने के बाद फिर से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और A+5 बनाएंगे हम, ठीक है ना, फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, तो वहाँ पर हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और ये एनर्जी का जो डेटा है ये इसी बात का सबूत है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा है, इसको देख करके आपको बताना है कि सक्सेसिव फर्स्ट फाइव आयनाइजेशन एनर्जी ये दे दिया आपका, द एलिमेंट इज लाइकली, मतलब ये किसका है, ये कौन सा एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा हो सकता है।
तो देखिए यहाँ पर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है प्लस फोर। कैसे डिसाइड हुआ भाई, जहाँ पर स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिला था है ना, उस पर चार देख लीजिए प्लस फोर हो गया। तो प्लस फोर हो गया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, ग्रुप 14 से बिलोंग करता होगा। तो कहता है इन चारों में से कौन सा होगा, तो सिलिकन ही होगा, सिलिकन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर होगा। या फिर यूँ समझिए कि प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो चार है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी का चार होगा, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, और वैसे भी क्वेश्चन नंबर 130 टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, बहुत बार अपन ने डिस्कस किया इसको। 131 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, के बारे में बात कर रहा है। कहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फॉर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, है ना, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिखना चाहिए, सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखता था और क्लियर होता, बाकी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब यह है कि ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी 3 ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, और आयनाइजेशन एनर्जी 2 ज़्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी 1 से। सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखा होता तो स्टेटमेंट और क्लियर होता, बाकी यहाँ पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब वही है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, अपने से इनकरेक्ट पूछा है। फिर कहता है द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी इज एक्सपीरियंस बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोर नोबल गैस कॉन्फ्यूगुरेशन। नोबल गैस कॉन्फ्यूगुरेशन जब कोई भी एटम गेन कर लेता है, ठीक है ना, नोबल गैस कॉन्फ्यूगुरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ्यूगुरेशन जब कोई भी एटम गेन कर लेता है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो ये भी बात सही है। कहता है एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड, जैसे कोई भी एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाए, बाहर वाला ख़त्म हो जाए, तब कहता है कि उसके आयनाइजेशन एनर्जी में बिग जंप आता है। ये तो हमेशा से अपन ने देखा है, जैसे सोडियम है तो सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब ये Na प्लस में कन्वर्ट होता है तो स्टेबल कॉन्फिगरेशन बन गया, और Na प्लस से जब आप Na प्लस 2 बनाओगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर चूंकि ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया था, स्टेबल कॉन्फिगरेशन गेन कर चुका है, तो यहाँ पर अब बिग जंप होने वाला है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम के वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये Mg प्लस 2 बनता है तो Mg प्लस 2 से Mg प्लस 3 बनाने में फिर बिग जंप आता है, तो बात तो सही आ गई, ठीक है ना, तो ये भी सही है, अपने से इनकरेक्ट पूछा है। जनरली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का मतलब एस के बारे में बात हो रहा है, पी के बारे में, पी में भी पी एक्स पी वाई पी जेड के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। कहता है जनरली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल बियरिंग लोअर एंड, लोअर एंड जैसे मान लीजिए 2s इज ईजियर देन ऑर्बिटल हैविंग हायर एंड, और 3s कर लेते हैं। तो कहता है कि 2s से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है विद रिस्पेक्ट टू 3s, ये तो गलत बोला भाई, ये तो सरासरी गलत बोला। 2s जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, जेड इफेक्ट ज़्यादा लगेगा। तो कहता है जनरली रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिटल बियरिंग लोअर n, माने n की वैल्यू जिसकी कम होगी वहाँ से कम, इज ईजियर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कम एनर्जी देकर के, तो गलत बोला ना, यहाँ पर जेड इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है भैया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।